We always dream of waking up with hair that looks beautiful. Henna? Thought as much. Good news is that you can achieve that perfect looking hair, but only if you're willing to spend some time doing a bedtime hair care routine. Hi guys, main hoon Smriti aur aaj main dikhane wali hoon a bedtime hair care routine to follow for healthy, strong hair. तो अगर आप ये बेड पे लेटे लेटे देख रहे हो तो उठ जाओ एंड फॉलो व्हाट आई एम अबाउट टू शो यू और अब उठ ही गए हो तो हमारे चैनल बी ब्यूटीफुल को सब्सक्राइब करो एंड रिंग द बेल आइकन ताकि आप हमेशा नोटिफाइड रहो एवरी टाइम वी पोस्ट अ न्यू वीडियो। बेड टाइम हेयर केयर रूटीन की शुरुआत करने से पहले मैं आपको समझा देती हूँ द इम्पोर्टेंस ऑफ इट। दिन के दौरान हमारे बाल सन, विंड और अगर मॉनसून हो तो रेन्स को फेस करते रहते हैं। बेड टाइम एक ऐसा वक्त होता है जब यू कैन अनडू ऑल द डैमेज कॉज्ड योर हेयर ड्यू टू एक्सटर्नल अग्रेसर्स। यही वक्त होता है टू ट्रांसफर न्यूट्रिएंट्स बैक इनटू योर हेयर फॉलिकल्स, रेगुलेट सीबम प्रोडक्शन ऑन द स्कैल्प एंड बूस्ट ब्लड सर्कुलेशन, बिकॉज नाइट टाइम इज व्हेन योर बॉडी इज मोस्ट ससेप्टेबल टू रिजुविनेट, हील एंड रिपेयर। एक सही बेड टाइम हेयर केयर रूटीन आपके बालों को प्रोटेक्टेड रखेगा जिसकी वजह से स्प्लिट एंड्स, ड्राइनेस या डिस्कलरेशन होने के चांसेस कम हो जाएंगे। सबसे पहला टिप है टू ब्रश योर हेयर। आई एम श्योर योर मदर जस्ट लाइक माइन मस्ट हैव टोल्ड यू टू डू दिस एवरी नाइट। ये इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ब्रशिंग योर हेयर एट बेड टाइम विल गेट रिड ऑफ नॉट्स एंड टैंगल्स। हेयर ब्रशिंग के लिए हमेशा एक वाइट टूथ कॉम इस्तेमाल करें क्योंकि द वाइट स्पेसेस बिटवीन द टीथ ऑफ द कॉम ग्लाइड थ्रू द हेयर स्मूदर देन दैट ऑफ द ब्रिसल्स ऑफ अ ब्रश यू वुड यूज। क्योंकि टैंगल्ड हेयर नॉट ओनली मेक्स इट प्रोन टू ब्रेकेज बट कैन ऑल्सो अंडरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ योर ट्रेसेस। अब टैंगल्स निकालने के अलावा हेयर ब्रशिंग आपके स्कैल्प के अंदर का नेचुरल ऑयल बालों की लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूट करता है। ये नेचुरल ऑयल आपके स्कैल्प को स्टिम्युलेट करेगा बाय बूस्टिंग ब्लड सर्कुलेशन व्हिच इन द लॉन्ग रन विल हेल्प हेयर फॉलिकल्स प्रमोट न्यू हेयर ग्रोथ। पर हाँ, ध्यान रखें कि आप पूरे दिन बालों को बार बार ब्रश ना करें बिकॉज दैट कैन एक्चुअली वीकन द हेयर शाफ्ट्स। बालों को अच्छे से कॉम करने के बाद आई लाइक टू ऑयल माई हेयर 1 to 2 टाइम्स अ वीक। You know they say if you want to solve a problem, get to the root of it. ये बात बालों के लिए भी लागू होती है क्योंकि gorgeous looking hair starts at the root level. And just like our skin, our hair also is in repair mode at night. Overnight hair oil treatment is not only good for those with dry hair, but it also does wonders for those with damaged hair and split ends. However, instead of picking up any oil off the rack, pick a hair oil that caters to your hair concerns. Like this one is the Indulekha Bhringa Hair Oil. This oil is a powerful Ayurvedic concoction of different ingredients and essential oils that help reduce hair fall and prevent premature gray. तो बालों को ऑयल करने के लिए सबसे पहले मैं बालों के छोटे छोटे सेक्शंस बनाऊंगी, फिर थोड़ा ऑयल इन सेक्शंस के बीच में स्कैल्प पे लगाऊंगी और फिर हल्के हाथों से स्कैल्प पे जो रूट्स है उनको मसाज करूंगी। एज अ टिप, ज्यादा ऑयल ना लगाए बालों पे बिकॉज लिटिल गोज अ लॉन्ग वे। क्योंकि ज्यादा ऑयल लगाने से आपको ज्यादा शैम्पू करना पड़ेगा जिससे फिर बाल ड्राई हो जाएंगे। Also, massage karte waqt, remember to not rub the oil into the scalp because that can lead to hair breakage. After you're done massaging, baalon ko bandh ke ek shower cap pehen lijiye as it will keep the oil from ruining your pillow and bed sheet. It not only nourishes and moisturizes the scalp but also improves cellular metabolism in your hair follicles, stem cells that result in regeneration of new hair. सच बताऊं तो मेरे घने सुंदर बालों का राज हेयर ऑयलिंग ही है एंड आई टोटली वाउच फॉर इट। ऑन डेज व्हेन आई डोंट अप्लाई ऑयल आई लाइक टू गिव माय स्कैल्प अ क्विक ड्राई मसाज विद अ स्कैल्प मसाजर एट बेड टाइम। यू नो इफ यू थिंक अबाउट इट, आवर स्कैल्प आल्सो हैज स्किन ऑन इट एंड जस्ट लाइक हाउ वी मसाज आवर फेस विद डिफरेंट टूल्स, वी नीड टू मसाज आवर स्कैल्प टू विद अ मसाजर। It's basically a handheld brush with a soft silicone or synthetic bristle that works to stimulate and exfoliate the scalp while increasing follicle circulation and blood circulation.
I prefer using it at night, so before going to bed, I like to give my scalp a good 5 to 10 minutes of dry massage. बालों को ड्राई मसाज करने से बालों की ग्रोथ बढ़ जाती है, विच कैन ऑल्सो एड टू द ओवरऑल थिकनेस ऑफ द हेयर, क्योंकि मसाजिंग विल स्ट्रेच द हेयर फॉलिकल सेल्स. अब क्योंकि ये ड्राई मसाज इतना रिलैक्सिंग फील होता है कि ऑफन आई डोज ऑफ पोस्ट मसाजिंग एंड मोर स्लीप मीन्स हेल्दियर हेयर. Because good sleep will help restore and adequately synthesize hair protein, release enzymes and boost growth hormones that are needed to ensure a healthy set of hair. Next up is protecting your hair while sleeping. इसका मतलब ये है कि आप बालों को खुला ना छोड़े और ना ही बालों को टाइट पोनीटेल या बन में बांध के रखे, क्योंकि these hairstyles can put a lot of stress on the hair and the tight elastic will also cause tension on the roots. पर फिर आप बालों को, specially लंबे बालों को खुला भी ना छोड़े, क्योंकि that leads to breakage as we all tend to move around in our sleep, leading to damage and frizz. So on days when I haven't oiled my hair, I like to make a loose 3-strand braid. इस braid को एक soft scrunchie या spiral hair tie से secure करें, as they are gentle on the hair and won't cause any tugging or pulling while you sleep. अब ओवरनाइट braids एक पुरानी hair trick है, जिससे बाल protected रहेंगे and from getting tangled up, reducing chances of hair breakage. पर bed time में बालों को braid करने का एक और फायदा है कि the next day you wake up with gorgeous beach waves. आखिरी tip है to sleep on a silk or satin pillowcase. Sleeping on a satin or silk pillowcase will not only give you major princess feels, but will also be helpful for your strands. As opposed to cotton pillow, क्योंकि वो बालों के follicles को weak करता है due to friction, which might be the cause of hair breakage. Silk or satin pillowcases, on the other hand, allows the hair to glide on it instead of rubbing against while tossing and turning. ये pillowcases बहुत soft होते हैं, which means आपके बाल सोते समय tangle नहीं होंगे. And it also keeps the hair healthy as it doesn't suck the natural moisture from your hair. Also guys, in case agar aapke paas silk pillowcase nahi hai, to aap silk scarf se apne hair ko tie kar sakte ho and this could work too. So guys, ye tha mera bedtime hair care routine. Trust me, is routine ko agar aap consistently follow karoge, to aapke baal healthy aur strong ban jayenge. Before you leave, like and share this video and also subscribe to our Be Beautiful channel. Hit the bell icon to stay updated with all our latest videos, and I'll catch you in the next one.